सो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सबका फिर से एक नए बेहतरीन वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम टू व्हीलर के बारे में बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले आज अपनी रानी के बारे में। तो भाई साहब, हमारी रानी को आए हमारे पास टोटल हो चुके हैं 3 महीने, और 3 महीने मैंने कितना चला दिया इसको वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, मैंने इसको चलाया है 1797 किलोमीटर, तो पकड़ के चलते 1800 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया। तो भाई 1800 किलोमीटर चलाने के बाद इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आया और कैसा परफॉर्म कर रही गाड़ी, सारा चीज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके। तो सबसे पहले आप लुक चेक करो गाड़ी का भाई, कैसी लग रही है। अभी थोड़ा गंदा हो गया है, आप मिट्टी से आगे में, जिसके कारण टायर अभी बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है। बाकी ये भाई पूरा साफ हो जाएगा तो भाई एकदम चमकता है एकदम। सबसे पहले आप लुक चेक करो गाड़ी का, कैसा लग रहा है गाड़ी। यहाँ पे आप पहले अच्छे तरीके से देख लो, चारों तरफ से इस तरफ से देख लो, थोड़ा गंदा है ये, इसको इग्नोर करना। अभी साइड से देखो भाई, कुछ इस तरीके से है, और इस तरफ से भी देख लो, इस तरफ से भी सेम उसी प्रकार से है जैसे उस तरफ में है, कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो सबसे पहला चीज बात करना चाहेंगे आपसे यहाँ पर कि भाई मैंने इसमें कराया था कुछ मॉडिफिकेशन, स्क्रीन पर आप देख सकते हो वीडियो। तेनू दिल नाल सदा लाके रखूंगा। तो भाई साहब, मैंने इसको क्यों हटाया और कैसा लग रहा था आपको कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लग रहा तो भी कमेंट करना, और खराब लग रहा तो भी कमेंट करना, मैं सबकी कमेंट को रीड करता हूं, आपको मालूम ही है। तो खैर भाई, मैंने इसको कराया था मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन कराने के बाद क्या हुआ कि आज तक जैसे बैक लाइट है, मैंने इसको ब्लैक कराया था इसका बैक लाइट, आज तक मैंने कोई भी डिजायर में बैक लाइट ब्लैक नहीं देखा था डार्क। लेकिन जैसे ही मैंने उसको बैक लाइट को ब्लैक कराया भाई साहब, वीडियो आप स्क्रीन पर देखो, मैंने भाई कितने ही गाड़ी में देख लिया कि भाई डिजायर का बैक लाइट ब्लैक हो रहा है। मतलब मेरे एरिया का ही गाड़ी है, लेकिन सब ब्लैक करा के घूम रहा है आजकल। यहाँ पर स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हो आप। यही कारण था भाई कि मैंने हटा दिया। अगर गाड़ी यूनिक रहेगी तो ही अलग दिखेगी और पहचान में आएगी कि भाई यहाँ ये इसकी गाड़ी है और उसकी गाड़ी जा रही है। कॉमन हो जाएगा तो भाई किसको क्या पता चलेगा कि वो किसकी गाड़ी है किसकी गाड़ी नहीं है। इसीलिए मैंने हटा दिया बैक लाइट से ब्लैक फिल्म को, और इसको नॉर्मल कर दिया है अभी। और बाकी मैंने डिफॉल्टर जो लिखाया था मैंने उसको भी हटा दिया, क्योंकि भाई एक चीज को कितना दिन तक रखोगे, कुछ अलग भी तो करना है गाड़ी में। और एक फनी चीज बताऊं आपको, एक दिन एक जन ऐसा है भाई कि मेरे पूरा डिट्टो गाड़ी कॉपी कर लिया, सारा चीज एलॉय का जो मतलब कलर है ब्लैक और रेड, सारा चीज सेम। मैं भाई देखा, मेरे सामने से पार हुआ तो मैं तो हड़क गया भाई कि भाई मेरी गाड़ी निकाला तो निकाला कौन है। सिर्फ जा करके देख रहा हूँ घर में, तो गाड़ी घर में खड़ी हुई है, वो दूसरा गाड़ी था भाई। भाई गजब है, भाई गजब है, कसम से उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया भाई, क्योंकि एक झटके में सब हुआ गाड़ी, तो भाई चलने में कहां से कहां पहुंच जाएगी, मैं कहां वीडियो बनाते फिरूंगा। लेकिन भाई पूरा डिट्टो कॉपी था, मैं हड़क गया था भाई। कलर भी सेम, एलॉय का कलर भी सेम, सारा चीज सेम भाई, सारा चीज सेम। और यहां पे देख सकते हो भाई गाड़ी का नंबर प्लेट भी लगा। तो चलिए ओवरऑल बात करते हैं अब कि कैसा परफॉर्मेंस रहा इसका 3 महीने में मेरे साथ, ये क्या क्या हुआ इसके साथ, क्या नहीं हुआ, सारा चीज आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहला चीज भाई, गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो वो कुछ नहीं है अभी तक, अल्लाह करम से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया भाई, और आगे भी ना आए तो अच्छा है। एकदम अच्छे तरीके से गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया कि मैंने इसको कितना चलाया है सारा चीज़, और यहाँ पे देख सकते हो अभी तक पन्नी भी मैंने इसको नहीं हटाया भाई साहब। और भाई मैं अब मान गया कि भाई डिजायर में भी दम है। जब पहला गियर में अगर डाल के अगर आप कस के एक्सीलेटर दोगे भाई साहब, क्या गाड़ी खिंचाती है भाई, मजा आ जाता है। गाड़ी को जो आवाज रहता है ना भाई, एकदम यहाँ लगता है, कसम से मस्त गाड़ी है भाई डिजायर भी। पहले मुझे लगता था भाई कि क्या बेकार जैसा गाड़ी है ये डिजायर, इसको हमको पसंद नहीं था। नंबर गाड़ी है भाई डिजायर भी भाई, इसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा है, पिकअप भी बढ़िया है। साउंड स्पीकर जो है इसका लगा हुआ देख सकते हो, यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर ही है, और पीछे में भी दो है, इस तरफ में भी एक है। और स्पीकर भी जो है कंपनी फिटेड है, लेकिन भाई एक नंबर स्पीकर है भाई, गजब इसमें भी आवाज है। और बाकी यहाँ भी देख सकते हो, लाइट का कंट्रोल है यहाँ पर ही है। और इसमें भी कुछ फंक्शन है, अगर आपको अगर इसमें डिटेल रिव्यू चाहिए इसका तो जरूर कमेंट करना, मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, अच्छे तरीके से एक एक चीज सारा समझाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो कुछ कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ यहाँ पर बटन दिए हुए देख सकते हो दो ठो, ठीक है भाई। यहाँ पर ही भी देख सकते हो क्या इसमें इंटरटेनमेंट जो सिस्टम लगा हुआ है कैसा है इसका। एसी भाई एक नंबर चिल करता है, पूरा एकदम ठंडा कर देता है गाड़ी को, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू चाहिए तो जरूर कमेंट करना। तो भाई अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए, पूरा ओवरऑल रिव्यू कि इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फीचर है, तो जरूर कमेंट करना, तो जरूर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो भाई साहब अब इसके ऊपर भी वीडियोस आया करेंगे चैनल पर।
तो बने रहिएगा चैनल पर। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ कमी रह गया होगा, अगर आपके मन में कोई भी चीज़ का डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।